हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक नए दिन की शुरुआत होगी नए व्लॉग के साथ। और ये देखिए, आज हमारे पकवानों की शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ तो तीज त्यौहार है, राइट? सो ये देखिए, आज है हरेला। सो आप सभी लोगों को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और ये देखिए, आज मम्मी बना रही है खाने में बढ़िया दाल वाली सब्जी, पूरी, क्या बात है, और पुए, ठीक है, चटनी, वाह। सो आज ये बना है खाना। और ओ पिटिया, अरे ओ व्हाट लवी, मेरे साथ रहेगी, तू संस्कार कब से सीख गया? माना मैं पिट, वही तो कह रही हूँ। मम्मी, आप दर्शकों को हरेला की बधाइयां देना चाहोगे? दो पे शर्माती हो? हरेला की बहुत बधाई है सबको। सभी के जीवन में नई खुशियाँ आए, खास त्यौहार आते रहे, सब खुशियाँ से पकवान बनाते रहे, खाते रहे, बांटते रहे। देखिए, मम्मी की तरफ से भी आ गया है और लवी की तरफ से हाय गाइस, हैप्पी हरेला एवरीवन, आप सब हमेशा खुश रहे, हैप्पी हरेला। तूने बोले हाय गाइस। सो मैं होगी नहा धो के तैयार और अच्छा लग रहा है आजकल गर्मियों में ना, बाल में सोच रही रोज बाल धो लूँ, नहीं लेकिन रोज भी नहीं धो सकते, स्कैल्प खराब हो जाएगी। सो ठीक है, फिर अभी मैं पूजा वगैरह करती हूँ। आज हरेला है, आप सभी लोगों को हरेला की बहुत 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 बधाइयाँ। आपके जीवन में हमेशा सुख संपत्ति और नई नई अच्छी अच्छी चीजें आती रहे, विद हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। सो ओके देन, मैं आरती कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ओके बाय। हाय गाइस, सो मैं हो गई हूँ तैयार फाइनली, ठीक है, पूजा वगैरह करके। और मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी कि नो डाउट ये जो पिठिया होता है ना, ये हमारे चेहरे में और ज़्यादा ऊर्जा के सारे सिनोनिम्स, वो वाली चीज़ें हमारे चेहरे पर ले आता है। सो यू नो, चेहरा इज ग्लोइंग एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस पिठिया। ओके, सो आई मेक श्योर टू लगाइंग इट एवरी डे। सो ठीक है, फिर मुझे इतनी भयंकर भूख लग रही है ना, और भयंकर इसलिए लग रही है क्योंकि सुबह मैं बनते हुए देखा था क्या क्या बनाया। तो आइए पहले सबसे पहले मेरी मम्मी के फेमस फेवरेट टेस्टी पुए टेस्ट करते हैं। जय हो। परफेक्ट। और मेरी टेस्टी सब्जी बनी है गाइस, पूज की सब्जी, उसके साथ अगर वो मिल जाता ना मुझे भात, मजा आता। तो चलिए, चटनी बनी है गाइस। चलिए, मैं खाना खा लेती हूँ। ये है मेरी सुंदर सी प्लेट, पूरी, चटनी, तोरी, पुए। हैप्पी हरेला गाइस, बाय। सो ठीक छो दगड़ियो, मील नाश्ता कर हेलो, और मील 16 स्ट्रीम, सो मील नाश्ता कर हेलो, और मील 16 श्रृंगार लेकर हेलो, क्रीम पाउडर सब चुपड़ हेलो, और पिठिया ले लगा हेलो दोबार बटी, क्योंकि क्रीम पाउडर लगा है बटी, पिठिया मिट गई थी तो फिर दोबारा लगे हेलो, ठीक छू। सो अब मैं जानू और मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर ली नू, मेरी किस्मत में छुट्टी नहीं है सैटरडे नू, हमको सैटरडे को लिए काम करन पड़े, तो ठीक छुपे, अब मैं जानू और मैं जानी और मैं नहीं जा दवी महर्जित मैं नहीं जा। सो हाँ, एंड ऑल्सो आज हरे छू, हरेला छू, और हरेला में इजा अपुन माइके जानी और वहाँ जाने इजा मैं इजा इजा अपुन मैथ जाने और इजा हर साल अपुन मैथ जाए और अपुन भतीज भै भाभी लोगों को हरेला लगे। तो और आज हमर खानले वह छू छो हमारे छोटे मामा वहाँ, तो मामा हमको हर साल बुलू खान खान लीजिए, बुलूनी खान खान लीजिए, तो बुलूनी खान खान लीजिए, ये क्या कर रहे बाप, ये क्या था पापा। सो ठीक छू भाई, हम आज हमार खाना मामा वहाँ छू चलेंगे, क्या लाएंगे यार गाड़ी, 1 किलोमीटर तक पैदल चलो, 2 किलोमीटर तक साइकिल में चलो, 3 किलोमीटर से आगे को स्कूटी में चलो, 10 किलोमीटर से आगे को कार में चलो, गल जला तुम आगे जग छा तुम मुर्दे जला तुम पर यार तुमको ब्यवा भी ले रही है, फेरे लगे हुए दुबई नहीं आली तू, हजारों बाल आली, हजारों बाल आली, दंड मारने लो भी, ठीक छो, मशीन आली ब्यवा भी ले रही, तुमको कोई उसी भजे भेजेंगे ले रही,
मजे भी ले रहे थे तुम। अब बड़े मियाँ देखी बात, तुम क्यों बोली ज्यादा मस्ती है किधर। सो ये देखिए, ये थी पापा मम्मी की मस्त फसक। तो ठीक है फिर, अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। और मौसम देखिए आप कितना सुंदर हो रखा है। ये स्मार्ट ही। तो आइए चलिए मिलते हैं। हाय गधे, हाय मुझसे। ये डल गया ना, ये डल गया तो क्या करेगा। नमस्कार नमस्कार पंडित जी, नमस्कार पंडित जी। कहाँ हमारे पंडित जी आई थी, कहाँ है, शाम से पहले भी आएंगे। हाय, आपको हरेला की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी हरेला, खुश रहो खुश रहो। से देखिए यहाँ पे मम्मी पापा लोगों ने खा लिया, अब हम लोग खाते हैं, क्या बात है। और मामी ने आज हमें अपने घर ही हरेला में खाने का मौका दिया है, तो चलिए हम भी खाते हैं खाना। तो देखिए ये हमारी मामी जी। मामी प्रणाम, और आपको हरेला की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या क्या बनाया आपने आज खाने में। राजमा बनाया, क्या बात। उसे देखिए ये हमारे बड़े पुए पूरियां, राजमा अचार, ठीक है, और एक खीर। तो चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ। लल्ली कैसा हो रहा खाना, अच्छी था उसे। तो चलिए, नहीं नहीं बहुत अच्छा बना है मामा, मामी आप खाना तो अच्छा बनाते हैं। चलिए गाइस मैं खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। क्या मामी, अरे रहने दो यार मामी यार, अरे रहने दो यार, होता है ले। देखिए हमारे साथ आज कौन आया है। लवी को हमने निकाल चुका है घर से, बेदखल कर दिया, और लवी की जगह वासु को हमने संपत्ति दे दी है। उनकी साली आई है। वासु की जगह होने वाले जीजा जी की साली आई है, जो भी होंगे। और जीजू की साली। और वासु, हमारे वासु को बोला चल वासु तुम्हारे घर चल, कहाँ अपने गरीब घर में रहेगी गर्मी में कूलर में। अरे चलो आज तुम्हें एसी में सुलाते हैं। गरीब घर में रहेगी, मजाक कर रहे यार, चार गुना ज्यादा अमीर है। सही बात है, ये तो है। वैसे कैसा था फिर अपने मायके में, अच्छा लगा। चलो फिर लेट्स गो गाइस, अभी आपका ससुराल बन जाएगा, उसके बाद आपको भी अपना मायका अच्छा लगेगा। तो देखिए हल्द्वानी की 40 डिग्री गर्मी के बाद हम एसी वाले कमरे में, हमारे घर का माहौल देखिए। लवी ने लिटरली चादर ओढ़ रखी है। ये रे पापा और हर्षित, ये रे मम्मी। नीचे क्यों लेटी हो, बहुत जगह है घर में, ऐसे मत दिखा गया। नीचे क्यों लेटी हो, ऊपर आओ बिस्तर में। और अरे वासु कैसे लग रहा है, वासु हमारे अमीर खाने में आके अपने गरीब खाने से बोल, मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ दी। इतना मजा आ रहा है ना, मतलब ट्रस्ट मी, मतलब जो भी बोलो यार, भले एसी की आदत गंदी है लेकिन इतना सुकून मिल रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए फिर थोड़ी देर एसी में बैठ के काम करती हूँ, सोती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ उठने के बाद। बाय गाइस। अरे बेबी को गर्मी लग रहा है क्या हुआ बाबू, गर्मी लग रही। चल सुना दो, सुना इस फाइनल टाइम मिल रहा है हेयर लगाने का। हमारा तो गांव में ही बोया जाता है ना, हमारा भी, हम लोग याद नहीं हुए इसलिए हमारा कुछ नहीं होता है। तो ये मामा के, मामा मम्मी ने लगाया वहां से लेकर आई, अब मैं लगाऊंगी भाइयों को। जी रहे जाग रहे, धरती से चकोर है जाए, आसमान जस उच्च है जाए, हिमालय में हूण पड़े तक, गंगा में तक, जी रे जग रहे। ये मैंने याद चीनी सीख लिया, अगर मेरे पापा नहीं आए ना बोलने के लिए, मेरे को मुझे अधूरा आता है। सो आई हैव बैकअप आल्सो, आई विल प्ले रिकॉर्डिंग। तो चलिए गाइस आज मेरे दोनों, मेरे घर के चिरागों को वो लगाते हैं पिठिया, घर के दीप है ये दोनों, मेरे घर रोशन करेंगे। मेरा मायका नहीं का, अभी मैं एक्सेप्टिंग हूं इट्स माय मायका। अब मेरे फेवरेट भाई की टर्न है, सुना तो नहीं कुछ। जी रे जाग रे जाग रे जो दिन यूं है कितने रे जा जा पाली जा पाली जा धरती जस चाको आकाश छे रे सूरज स्थान है जो शाम हिमालय में हूं शंता गंगा में पाए है। जी रे जाग रे बुद्धि है जी रे जाग रे यो दिन यो मां घिरने रे दुबे जो जोड़ जो पाली जो पोत जो गंग में बल्लु सुंदर रे हिमालय में हिमो सुंदर रे क्या है जो बुद्धि है जो शी है जो त्राण है जो और लट्ठी पकड़ वे हम हो जाए लट्ठी पकड़ वे 100 साल तक अगुण जाए।
दो बच्चे तुमको लेके लिबे जू अगुन पोछ लो समझ नहीं आ रहा कुछ यावत गंगा कुरुक्षेत्र में यावत चंद्र में जब मेरा हरेला लगाने की बारी है मम्मी मेरे लिए बहुत सारा आशीर्वाद है ना हां जी रे जाग रे यो दिन यो मां जग रे पति जब पार्टी जब कॉलेज जाओ गंग में बल्ली चंद्र रे हिमालय में घोषण कर रहे धरती बराबर धरती बराबर चौड़े जी स्वर्ग बराबर उच्चे जे गंग में बल्ली सुनता गए और लड़की पकड़ में चलो भाई मैं तो जा रही हूँ फिटनेस फ्रीक बन के घूमने पापा जी आप ढोलक को कम कब कम करने वाले हो तेरी शादी में मेरी शादी में 4 महीने पहले करना पड़ेगा ना शुरू हाँ, तो कर दो कर लूंगा तो करो शुरू तेरी शादी को 4 महीने थोड़ी मेरी शादी को तो बहुत टाइम लेकिन आप अपना ढोलक तो कम करना शुरू करो तो चलिए आप चलते हैं हम लोग घूमने और मैं अपनी स्मार्ट वॉच बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रही हूँ मैं अपना पसीना पूछ रही हूँ दरअसल ओ माय गॉड माय पसीना माय न्यू स्मार्ट वॉच एक सेकंड रुको खुलती भी है ये किसने दी है ये मैंने खुद लिया वासु नहीं ये एक्चुअली आपके ये आपके जीजा जी ने गिफ्ट करी थी सो आपके जीजू ने हमें गिफ्ट करी है ये हाय गाइस सो ये देखिए मेरे मेहनत का पसीना इट फील्स गुड जो पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं ऐसा ही कुछ है सो देखिए और जो जॉगिंग करने के पसीने से नहाते हैं वो चर्बी बदलते हैं हाँ जी चले ना कद्दू ले लो और क्या क्या दे रहे हो आप और कुछ नहीं कितने का है कद्दू हाँ ओह वाओ अच्छा ठीक है आप कौन कौन से अच्छा आपका नाम क्या है मेरा नाम साक्षी आपका निशा कौन सी क्लास में हो दोनों अरे तुम दोनों तो बहुत छुटकी लग रही हो यार मुझे पता क्या लगा तुम LKG में हो तुम फर्स्ट में हो तुम सिक्स क्लास में पढ़ती हो सच्ची अरे बाप रे बहुत बड़ी यार तुम लोग वेरी गुड यार आप लोग तो कितनी इंटेलिजेंट हो आपको पता है मुझे भी अभी तक बिजनेस करना नहीं आता है मैं इतनी बड़ी हो गई और आप लोग इतनी छोटी उम्र में बिजनेस कर रहे हो वाह वेरी गुड बड़े होकर बिजनेसमैन बनना ठीक है नौकरी मत करना ठीक है मम्मी को बोला हम बिजनेस करेंगे ओके अभी मैं पैसे नहीं लेकर आई मैं कल लेकर आऊंगी कल खरीदूंगी चलो बाय कर दो बाय हर्षित बाहर कार खड़ी है कोई आया है क्या अरे 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 क्या बात है हाउ आर यू आई एम फाइन हाउ आर यू माय फ्रेंड आई एम ऑल गुड और ये कार आपकी है और सिडैन कौन सी हुई सिडैन क्या बात है बधाई हो पार्टी ऐसा हाँ हर्षित छोड़ना नहीं है 5,000 का भी लाना चाहिए पिज्जा ठीक है आप पिज्जा खिला दीजिए फिर सो गाइस ये देखिए इनसे मिलाते हैं आपको ये हमारे लाइफ के बहुत ही एक खास शख्स हैं मतलब इनका हमारी लाइफ में बहुत खास रोल प्ले होता है तो पहले मैं अपना मुंह धो ली थी फिर मिलाती हूँ तो देखिए घर में कौन आया आज राजा पाजा नाना जी इसको राजा पाजा बोलते थे है ना और ये देखिए मेहमान के लिए आम काट दिए गए हैं और मेहमान से मैंने सोचा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी लेकिन मेहमान जी जाने की तैयारी में है तो कोई बात नहीं किसी दिन हाँ किसी दिन उजाले में आना तेरा सुंदर सा चेहरा उजाले में दिखाती हूँ ठीक है चल तू आम खा चलो आम खाओ फिर सो आम हमने खा लिया है आओ इधर आओ मेहमान जी सो ये हमारे मेहमान जो अभी फिलहाल जाने के लिए हो गए तैयार हेलो तो आप कब आ रहे हैं कल मॉर्निंग अंधेरे में इतना चमक आपके चेहरे में चमक नहीं दिख रही आओ बीच में आओ ये आज बगल में आई जाके सो ये है मुकेश बाकी इंट्रोडक्शन हम आपको इनका कर देंगे ये हमारे लोहमी खानदान में इनका नहीं पूरे लोहमी नहीं थी मेरे लिए बहुत बड़ा इनका रोल है शर्मा गया लड़का चलो ओके भाई ध्यान रखना ये पिज्जा का प्यार भाई बुक्कू ध्यान रखना हाँ आराम से जाना अरे बाप रे कैसे चला रहे हैं मुझे तो डर लग रहा है यार ये तो है वैसे यार हाय गाइस सो मैं हो गई हूँ फाइनली नहा धो के फ्रेश एंड मजा आ गया सर्दियों में सॉरी गर्मियों में ये चीज बड़ा मजेदार रहती है कि आप दिन में एटलीस्ट 2-3 बार नहा लेते हो फ्रेश हो जाते हो ठीक है विच इज अ गुड थिंग तो ठीक है फिर आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड कैसा लगा आज का दिन आपको प्लीज कमेंट करके बताइएगा
और ये था हमारा हरेले का त्योहार की सेलिब्रेशंस घर में। एंड अगेन आप सभी लोगों को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी व्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू लाइक, ओके। बिना लाइक करे मत जाया करिए। आपको हरेला के त्योहार की कसम। और बिना सब्सक्राइब करे मत देखा करिए, ठीक है। और कल मुलाकात होगी बड़े से नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय गाइज, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय।